हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अंकित जागरण टेस्ट पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने कोई भी ऐप अगर आपने उसको हाइड कर रखा है तो आप उसे अनहाइड कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साइड में बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरा MX प्लेयर नहीं है, उसे मैंने हाइड कर रखा है, और इंस्टाग्राम भी नहीं है और एक व्हाट्सअप भी नहीं है दूसरा वाला। तो जैसे कि ये मैंने जो ऐप हाइड कर रखी है, अगर इन्हें अनहाइड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पे आपको कोई आपके पास एक ऑप्शन होगा या आप सर्च कर सकते हो यहाँ पर ऐप लॉक, अगर आपके पास आ जाएगा तो ठीक है, अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आता है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, या आपका डायरेक्टली ऑप्शन मिलेगा आपको हाइड ऐप का। तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे लिखा होगा हाइड ऐप, तो यहाँ पे आपको हाइड ऐप पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो भी आपने हाइड जो ऐप कर रखी है उनके यहाँ पे जो ब्लू टिक आ रहे हैं यहाँ पे देख आप सकते हो, तो इन्हें आपको डिसेबल कर देना है यहाँ से ऐसे, जिससे कि ऐप अनहाइड हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पर शो होने लगेगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इनको अनहाइड कर दिया है, अगर दोस्तों आपने अगर पासवर्ड लगा रखे तो आप यहाँ पे डिसेबल पासवर्ड भी यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि आपका कोई भी पासवर्ड नहीं होगा। या फिर आप अगर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे रहेगा लेकिन आपका हाइड ऐप पे नहीं आएगा। तो दोस्तों फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली जाना है और आप अपनी होम स्क्रीन पर देख सकते हो जो ऐप मैंने हाइड कर रखी थी वो अब अनहाइड हो चुकी है, यहाँ पे शो हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप ऐप को अनहाइड कर सकते हो। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप मुझे बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ।